अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम न्यू रेसिपी लेकर आए हैं आप सबके लिए, जो बहुत ही इजी और बहुत ही चटपट तैयार होने वाली है, जो है इमली आलू चाट। चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमने आलू अपने छील के रख लिए थे चार, और जिसको हम अभी कट करेंगे। और ये हमारे स्पाइस हैं, और ये हमारी इमली है जिसको हमने पानी में भिगो के रख दिया था चटनी बनाने के लिए। ये हमारे स्पाइस हैं जो जो हमें आज चाहिए होंगे। तो हाफ टी स्पून हमने लिए काला नमक, हाफ टी स्पून हमने लिए नॉर्मल नमक, हाफ टी स्पून हमने लिए ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून हमने लिए धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हमने लिए कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हमने लिए दर्रर लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, और 1 टेबलस्पून हमें शुगर चाहिए। चलें अपने आलू काटना स्टार्ट करते हैं। आलू हमने ऐसे काटने हैं जैसे सब्ज़ी के लिए आलू काटते हैं, थोड़ा मोटा आलू रखना है। ये जो हमने भिगो के रखी थी उसमें से हमने एक गुटलियाँ निकाल ली हैं, और उसका जो प्लम्स है वो हमने इस फ्राई पैन में रख के डाल के तो चूल्हे पर रख दिया है। अब इसके अंदर हमने स्पाइस ऐड करेंगे। शुगर भी ऐड कर देंगे, मिक्स किया, और इसको हमने ना पकने के लिए रख देंगे इतनी देर के लिए कि जब तक ना ये चटनी हमारी जब तक गाढ़ी ना हो जाए, इसको हम पकाएंगे तब तक। अब एक कढ़ाई में हमने घी डाल के रख दिया है, मीडियम लो फ्लेम में रखना है ताकि घी ज़्यादा गर्म भी ना हो। इसके अंदर हम अपने कटे हुए आलू डाल देंगे, आराम आराम से डालिएगा। हमारे आलू फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें हम निकाल दें। हमारे आलू फ्राई हो गए हैं, अब इसके अंदर जो हमने अपनी इमली की चटनी बनाई थी वो डालते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून हमने इमली की चटनी डालेंगे अंदर। अगर आप ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर चाट का मसाला डालेंगे, हाफ़ टी स्पून अब इसके अंदर हम काला नमक डाल देंगे। चाट हमारी रेडी है, अब इसको सर्विंग प्लेट में डालेंगे हम। इसके ऊपर हमने कटा हुआ ओनियन थोड़ा सा डाल लिया, और ये थोड़ी सी हरी मिर्च। हमारी चाट रेडी है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। कमेंट करके लाजमी बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।